अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक द साइंस फैक्टर यूनिट 2 द एनिमल वर्ल्ड। अपनी बुक का पेज नंबर 29 देखें। आर्थ्रोपॉड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्टिब्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे इन वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, आर्थ्रोपॉड्स के बारे में। मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एनिमल्स स्पीशीज आर आर्थ्रोपॉड्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन लैंड, इन ट्रीज, इन वाटर एंड अंडरग्राउंड। यानी कि जितनी भी हमारी अर्थ पे स्पीशीज या जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें 3/4 जो हैं वो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, जो कि हर जगह मौजूद होते हैं, जैसा कि अर्थ पे, लैंड पे, ट्रीज पे, वाटर पे या ज़मीन के अंदर। आर्थ्रोपॉड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स। दे आर ईट बाय बर्ड्स, फिश, सम मैमल्स एंड इवन अदर आर्थ्रोपॉड्स। सम प्लांट्स आल्सो ईट देम। यानी कि आर्थ्रोपॉड्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं फूड की दूसरे एनिमल्स के लिए। इनको बर्ड्स, फिश, मैमल्स और दूसरे ही आर्थ्रोपॉड्स और कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। टू हेल्प स्टडी आर्थ्रोपॉड्स, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड देम इनटू 5 मेन ग्रुप्स। आर्थ्रोपॉड्स को साइंटिस्ट ने स्टडी में हेल्प के लिए 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इंसेक्ट्स, बीटल्स एंड आंट्स, एरेक्निड्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। इंसेक्ट्स, About 1 million species of insects have been identified on Earth, with probably more than that number still not identified. Insects all share 3 main characteristics. तकरीबन 3 million species जो हैं वो इंसेक्ट्स जो के आइडेंटिफाई किए गए हैं अर्थ पे। इनके 3 मेन करेक्टर्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है 3 सेक्शंस में, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। 1 पेयर ऑफ एंटीना, इनके हेड पे 1 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है। इनके थॉरेक्स पे 6 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं और इनका बैक, ये वाला पार्ट जो है ये एब्डोमेन कहलाता है। इनकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बीटल्स, आंट्स, लेडी बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31, 2.6, अदर इनवर्टिब्रेट्स। मोलेसेस, सम मोलेसेस लिव ऑन लैंड बट मोस्ट लिव इन वाटर। कुछ ऐसे हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं बगैर ज़्यादातर जो है वो पानी में रहते हैं। ऑस्ट्रिच, स्नेल, ऑक्टोपस एंड क्लेम्स आर एग्जाम्पल ऑफ मोलेसेस। स्पंजेस, स्पंजेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल। यानी कि स्पंजेस जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल्स की। दे डू नॉट हैव आ नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता और एनी मसल्स और किसी किस्म के मसल्स भी नहीं होते। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन एंड मोस्ट लिव ऑन द सी फ्लोर। ये अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते और ज़्यादातर जो हैं वो सी के फ्लोर में होते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। दे कांट हंट फॉर फूड, इस वजह से ये अपना फूड भी हासिल नहीं कर सकते। इंस्टेड दे लिव ऑन द वाटर, ये पानी में रहते हैं। दैट फ्लोज थ्रू टिनी होल्स इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं। द वाटर कंटेन द ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट दे नीड टू सर्वाइव, जिसके ज़रिए से वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर जाता है, जहाँ से जो है ये नरिशिंग पार्ट्स और ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। वॉर्म्स, वॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मोस्ट कॉमनली नो एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। सेगमेंटेड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स, इनको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सेगमेंटेड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स लिव इन वाटर, इकाइनोडर्म्स पानी में रहते हैं। स्टार फिश एंड सी अर्चिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म्स। नाइडेरियंस, पेज नंबर 33, नाइडेरियंस। नाइडेरियंस लिव इन वाटर, दे हैव अ बैग लाइक बॉडी। इनकी बॉडी जो है वो बैग लाइक होती है और ये वाटर में रहते हैं। विच हैज़ टेंटिकल्स कमिंग ऑफ इट। नाइडेरियंस इंक्लूड जेलीफिश एंड कोरल। नाइडेरियंस में जेलीफिश और कोरल जो हैं ये
शामिल हैं। इनकी बॉडी जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इन पे टेंटिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 13 ओपन करें। अबाउट इंसेक्ट्स, व्हाट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हेल्प आइडेंटिफाई एन इंसेक्ट्स। यहाँ पे आपने इनके करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इंसेक्ट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें डायग्राम दी गई है, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन दिस डायग्राम ऑफ एन आंट। आंट की डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के दिए गए हैं जिनको हमें लेबल करना है। ये आप काम करेंगे और ये काम आप पेंसिल से करेंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।